हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लाइव क्लासेस। टुडे वी विल लर्न हिंदी वर्कबुक स्टैंडर्ड 5th। सो ओपन योर वर्कबुक। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 6 तक फिनिश कर दिया था। टुडे वी विल लर्न पेज नंबर 53, प्रवृत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 1, कोष्टक के शब्द और उनके समानार्थी शब्द ढूंढकर गोला कीजिए और समानार्थी शब्दों की जोड़ियाँ नीचे लिखिए। तो फर्स्ट हमारा है कुटिया, तो कुटिया के सामने क्या आएगी? झोपड़ी। इस तरह से आपको सर्कल करना है सब में, ओके। और यहाँ पे लिखना है, तो फर्स्ट है कुटिया तो झोपड़ी, शायद तो कदाचित, शक तो शंका, निकट तो नज़दीक, चरण तो पैर, दोष अपराध, कर्तव्य फर्ज, आदेश हुक्म, खड़ाऊ तो पादुका। ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है, दोष अपराध चरण पैर, ओके, आदेश शक शंका फर्ज कर्तव्य, ओके। तो सब पर हमें सर्कल करना है और नीचे लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक से जल थल और पेड़ पर रहने वाले पशु पक्षियों के अलग अलग नेम लिखिए। तो जल में रहने वाले, थल पर रहने वाले और पेड़ों पर रहने वाले। तो देखो, फर्स्ट है हमारा बंदर, तो बंदर कहाँ पे रहेगा? पेड़ पर। बतख जल में, उल्लू पेड़ पर, शेर थल पर, मछली जल में, गिलहरी पेड़ों पर, मगर जल में, भालू थल पर, खरगोश थल पर, ओके। इस तरह से हमें लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कोई रेपर यहाँ चिपकाए और उस पर रेपर के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप कोई भी रेपर यहाँ पे लगा सकते हो, ओके, चिपका सकते हैं कोई भी रेपर। तो उसके रेपर में लिखा होगा कि वो किसका रेपर है और वो उस पर कीमत छपी होगी, उसको पैकिंग कब हुआ था, उसका एक्सपायर डेट कब है, ओके। ये सब एक क्वेश्चन आंसर उसमें से देखकर आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, कोष्टक से सही शब्द चुनकर संकेत के नीचे लिखिए। तो देखो, फर्स्ट ये हमारा क्या है, क्या है हमारा? हॉस्पिटल, ओके, ये हमारी हॉस्पिटल है। ये क्या है देखो, ये हमारा रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित है। उसके बाद ये देखो क्या है, तो पैदल यात्री क्रॉसिंग। ये क्या है? साइकिल क्रॉसिंग, ओके। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5, सूचना अनुसार लिखी। तो ये आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ पे अपना गांव और शहर का नेम लिखना है, अपने दोस्तों के नेम लिखने हैं, और यहाँ पे किन्नी चार आपको जो भी नदी के नेम लिखने हैं वो लिखने हैं, और यहाँ पे पर्वत लिखने हैं, ओके। तो आपको मैंने ये टेक्स्ट बुक में भी करवाया है और यहाँ भी, यहाँ पे भी आपको लिखना है, ओके। अपना नेम लिखना है, मैंने जब टेक्स्ट बुक में लिया था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको कैसे करना है, ओके। उस तरह से आपको यह करना है, टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और ये वर्कबुक में भी लिखना है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा ढूंढकर उन्हें रेखांकित कीजिए और सामने लिखिए। फर्स्ट है सतीश होनार लड़का है, तो सतीश और लड़का ये दोनों संज्ञा है। सेकंड, गंगा हमारी पवित्र नदी है, गंगा और नदी ये संज्ञा है। उसके बाद 3, गिरनार गुजरात का बड़ा पर्वत है, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? देखो, कौन सी संज्ञा है? गिरनार और पर्वत, ये दोनों संज्ञा है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिरनार और पर्वत। 4 है, हमारे देश का नाम भारत है, तो देश और भारत दोनों संज्ञा है। 5, अवेस्था पारसियों का धर्म ग्रंथ है, तो धर्म ग्रंथ ये क्या है? हमारे संज्ञा है, ओके। इस तरह से संज्ञा ढूंढ के लिखना है, ओके।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, बाल रामायण पढ़कर अपनी पसंद का एक प्रसंग यहाँ पे लिखिए और कक्षा में सुनाइए। तो आपका ये होमवर्क में है, आपको क्या करना है, रामायण का जो बाल रामायण है ना, उसका एक प्रसंग जो आपको बहुत पसंद है, आपका पसंद है वही प्रसंग आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, ये होमवर्क आपका मैं देखूंगी, इसलिए आपको कंपलसरी करना है। ओके, सब होमवर्क कंपलसरी करना ही है, मैं सब होमवर्क आपका चेक करूंगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय।